अभय दुबे जी, अभय दुबे जी जवाब दीजिए। 2014 के पहले देश में लिंचिंग नहीं हुई, आप भी जानकार हैं सर, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 2014 के पहले इस देश में लिंचिंग नहीं हुई, क्या ये जस्टिफाई करने को तैयार हैं सर आप? अंजना जी, विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, वो दलों के आधार पर इस बात का विभेद भी नहीं करते। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की बात में अपनी आस्था रखता है सनातन भारत, और विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामी छुपाने को बीते 7 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भारत को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर खंड खंड में बांटने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी से युवाओं के रोजगार के अवसर की लिंचिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था की लिंचिंग करने की कोशिश की। कृषि के क्रूर काले कानूनों से भारत वर्ष की खेती की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। इससे पेट नहीं भरा, किसानों की भी मॉब लिंचिंग कर दी लखीमपुर खीरी में। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी उन्नाव से लेके हाथरस तक बेटियों की अस्मिता की लिंचिंग कर रहे थे, उनके समर्थन में खड़े होने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने जो चीन भारत की सीमा में घुसकर भारत की संप्रभुता की लिंचिंग कर रहा था, आंख बंद करके कह दिया कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, उसके समर्थन में खड़े होने की कोशिश की। अरे मुझे बताइए, जो भारतवर्ष का धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री अगर हत्या के धर्म गाय के नाम पर की गई हत्या के आरोपियों को सजा याफ्ता होने के बाद अगर गले में माला पहनाए तो क्या कहा जाएगा? आप मुझे बताइए, गुजरात के ऊना में क्या हुआ? उन दलित भाइयों का क्या दोष था जिनको भीड़ की हिंसा से मार मार कर लहूलुहान कर दिया? अभी बिहार में उन दलित भाइयों को थूक चाटने के लिए मजबूर किया। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में वो मुखिया का वोट उनको नहीं देना चाहते थे। तो इस देश में चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, और आपने भी व्याख्या की, ये तो हिंदू धर्म सिखाता ही नहीं है। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने अभी 1984 के दंगे की अंजना जी बात की, कभी किसी राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं किया, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। नाना जी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद के पत्थर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं को न्यायचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसे खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि इस घड़ी में राजीव गांधी को पूरा समर्थन करना चाहिए। और किसने आलेख प्रकाशित किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने, वो प्रतिपक्ष के संपादक हुआ करते थे और उसमें प्रकाशित किया। आपने इस हिंसा की बात की तो ये भूल गए? अमरिंदर सिंह तो अब आपके साथ गठबंधन में, पूछिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने और पूरे 49 लोगों की लिस्ट जारी की जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एफआईआर नंबर 315/92, एफआईआर नंबर 446/93, उन्होंने नाम दिए, प्रेम कुमार जैन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव संचालक हुआ करते थे, जिनके घर में कार्यालय था, प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता, 49 लोगों। मैं ये नहीं कहता अंजना जी कि इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी दंगों की आरोपी है। लीजिए सर, उनसे मौजूदा दौर के लिंचिंग पर पूछूंगी, वो 84 पर ले जाएंगे। आपसे 84 पर सवाल पूछूंगी तो आप मौजूदा वक्त में उलझाएंगे। क्या 84 पर एक सवाल पूछ सकती हूं? सिखों के साथ क्या लिंचिंग नहीं की गई थी उस वक्त? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। अंजना जी, मैं हैसियत नहीं रखता, मेरे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने 10 बार इस बात के लिए क्षमा मांगी है देश से, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो या अभय दुबे हो। ये बिल्कुल स्वीकारा नहीं जा सकता हिंदुस्तान में। लेकिन ये घृणित आरोप लगा देना कि राजीव गांधी उसके पक्ष समर्थन में खड़े थे या कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने स्वयं इस बात का उद्बोधन दिया, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सम्मिलित नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने